वेलकम बैक फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे हम लोग रिलेशंस चैप्टर के। तो ये एक क्वेश्चन है, दो सेट दिया हुआ ए एंड बी और दोनों में 99 एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है, 99 एलिमेंट कॉमन है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ईच ऑफ द सेट्स ए इंटू बी और बी इंटू ए, ए इंटू बी और बी इंटू ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है वो क्या है, 121 लैम्डा स्क्वायर है। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा आपका पूछ रहा है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 99 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, ये आपका है 121 लैम्डा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है, अगर आपको ये दिख रहा है कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, ये चीज़ जो आएगी वो इक्वल होगी ए इंटरसेक्शन बी के इंटू ए इंटरसेक्शन बी। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है ए इंटू बी और बी इंटू ए, इसके जो कॉमन ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो वही होंगे जो इसके होंगे, ठीक है। ये कॉमन सेंस आपको दिख रहा होगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी होना है, इसमें भी होना है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट एक्स जो है वो ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी में होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, सपोज़ कीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है, वो बिलोंग कर रहा है आपको ए इंटू बी में भी और बी इंटू ए में भी, यानी ये दोनों में है, इसमें भी है, इसके में भी है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट से होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए निकल के आ रहा है और दोनों में एंड है, और एक यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यानी आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह वाई बिलोंग्स टू ऊपर वाले से आएगा बी और नीचे वाले से आएगा वाई बिलोंग्स टू दूसरे वाले से ए, यानी वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब दोनों एक्स वाई, एक्स भी ए इंटरसेक्शन बी से है, वाई भी ए इंटरसेक्शन बी से है, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया, भी एक्स भी इंटरसेक्शन बी से, वाई भी इंटरसेक्शन बी से, तो इसका प्रोडक्ट में ये होगा। तो ये तो प्रूफ हो गया कि अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो इसमें तो होगा ही, ये प्रूफ कर दिया हमने। कोई भी एलिमेंट जो ए इंटू बी और बी इंटू ए है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी में तो होगा ही, लेकिन ठीक है। लेकिन हालांकि ये इक्वलिटी अभी प्रूफ नहीं हुई है, इससे ये प्रूफ हो गया कि ये इसका सबसेट है, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे सबसेट का डेफिनेशन, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ये वो वाला कंडीशन ट्रू हुआ है। अदर वे राउंड भी करना बहुत आसान है, अदर वे राउंड मतलब आप कोई एक्स वाई मान लीजिए है ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। देख लीजिए एक्स ए इंटरसेक्शन बी है, पहला एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए इंटरसेक्शन बी में है, तो यानी एक्स ए में भी है और बी में भी है, यानी इससे क्या निकल के आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए ऑल्सो एंड एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, ठीक है, दोनों में है, एंड है ना। एक्स ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी में है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। उसी तरह वाई भी ए इंटरसेक्शन बी में है, यानी वाई बिलोंग्स टू, यहाँ पर पहले बी लिख लीजिए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, दोनों है, ठीक है। तो यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटू बी, यहाँ से आ रहा है क्या, एक्स वाई ऑर्डर पेयर जो है वो होगा ए इंटू बी में, और यहाँ से आ रहा है एंड एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है वो होगा बी इंटू ए में, यानी एक्स वाई ए इंटू बी में भी है और बी इंटू ए में भी है, पहला वाला बी में है दूसरा वाला ए में है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू बी इंटू ए, यानी इंटरसेक्शन में भी हो गया, प्रूफ हो गया ये भी कि अगर इसमें इसका कोई भी एलिमेंट है तो वो इस दोनों में होगा, ये भी प्रूफ हो गया। अगर कोई जनरल ऑर्डर पेयर ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी में है तो वो ऑर्डर पेयर ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए में भी होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सा मैं दिखाना यही चाह रहा था, हालांकि इतना कुछ करना नहीं है, ये आपको साफ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है कि ये तभी होगा जब ये होगा। अब इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इसका कितना दिया हुआ, अब एक लाइन का इसका है सॉल्यूशन, इसका दिया हुआ नंबर ऑफ़ एलिमेंट 121 लैम्डा स्क्वायर, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा,
इसमें 99 है, इसमें 99 है, तो टोटल क्या होगा, 99 × 99। इससे ये 11 का स्क्वायर है, ये वाली चीज़ 11 का स्क्वायर है, तो 11 से एक बार इसको काटिए, एक बार इसको काटिए, तो लैम्डा बराबर 9 हो गया आंसर। आंसर इसका हो जाएगा 9, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस धीरे ध्यान रखिए कि ये होता है, और ये बड़ा कॉमन सेंस से दिख जा रहा है। मैंने वेन डायग्राम से इसको इसलिए नहीं बताया शुरू में क्योंकि आप थोड़ा सा इसको लॉजिक देने में उलझ सकते हो, लेकिन एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं अभी वेन डायग्राम से, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इधर से तो समझ ही गए हो। तो पहले दो सेट बना लेते हैं, ये मान लीजिए सेट ए है और ये मान लीजिए आपका सेट बी है, ए और बी। ये एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है, तो इसको हम किस पोर्शन से लेंगे कि वो ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों में कॉमन है, यही हमको करना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, यानी एक्स इंटू वाई जो एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों तरफ आए, इसमें भी आए और इसमें भी आए, तो एक्स किस पोर्शन से लिया जाए। इसमें तीन पोर्शन मेजर बनता है, एक ये, एक ये और एक ये, यानी बी माइनस ए, ए माइनस बी और ये ए इंटरसेक्शन बी, ये तीन पोर्शन है आपका। इसको आप अगर शांति से देखोगे चुपचाप कि कहाँ से एक्स और वाई लेंगे कि ये इंटर दोनों में आ जाए, तो ये आप आसानी से समझ जाओगे, लेकिन जब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ तो उलझने लगता है थोड़ा सा। आप अभी ये फील करोगे कि जब मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो थोड़ा सा चीज़ें उलझने लगती है, लेकिन आप आराम से इसको शांति से देखोगे कि एक्स एक्स और वाई जो है किस 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 पोर्शन से ले सकते हैं ताकि ये हो इंटरसेक्शन में वो आए, तो आप आसानी समझ जाओगे कि वो ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन ही होगा। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। अच्छा, इससे रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड एक महान सूफ़ी का कोट भी है, मेवलाना रूमी का, आपने नाम सुना होगा। कोट ये है कि साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज़ पुअर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सटीक बैठता है कि शांति से आप इसको समझ सकते हो, साइलेंस में, साइलेंस में आप इसको आसानी से समझ सकते हो, लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे भी यूनिवर्स बनाने से पहले मैथ्स बना होगा, तो मैथ्स का लैंग्वेज साइलेंस के क्लोज ही होगा फिर। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ कीजिए जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है उसका एक्स अपन ले लेते हैं, उसका अपन एक्स ले लेते हैं ए माइनस बी से, ए इंटू बी में, ए इंटू बी के लिए जो ए का पोर्शन लेना है वो हम ए माइनस बी से ले लेते हैं, यानी इस तरफ से। ठीक है, इस तरफ से हमने ले लिया एक्स, तो अगर एक्स इधर से ले लिया तो वो b इंटू ए में कभी नहीं आएगा, क्योंकि b इंटू ए में पहला एलिमेंट इस तरफ से होगा, b इंटू ए, ए में जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका पहला एलिमेंट इधर से आएगा, और a इंटू बी में मैंने इधर से पहला ले लिया है, तो कभी इक्वल आएगा ही नहीं, दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उसका पहला एलिमेंट ही सेम नहीं होगा। अगर x सेम नहीं हुआ तो ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सेम होने के लिए x और y दोनों सेम होना चाहिए, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, यानी x इधर से लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, उसी तरह अगर ऑर्डर्ड पेयर का y आप इधर से ले लो, इस तरफ से y इधर से ले रहे हो, मतलब अब b इंटू ए की बात कर रहे हो, यानी b इंटू ए के लिए अगर आप a में एक a से y बनेगा, है ना, b इंटू ए में, वो y अगर आप a माइनस बी से ले लो तो वो a इंटू बी का y नहीं बन पाएगा, क्योंकि a इंटू बी का y फिर b से आएगा, तो b और ये कॉमन है ही नहीं, a माइनस बी और b में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर a इंटू बी में वो y नहीं मिल पाएगा, तो फिर से वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। यानी इस पोर्शन से अगर आप a इंटू बी का x लो या b इंटू ए का y लो तो आपका इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा। उसी तरह b माइनस ए पोर्शन से अगर आप b इंटू ए का x लो या a इंटू बी का y लो तो वह इंटरसेक्शन में नहीं आएगा इस पोर्शन से भी। लेकिन इस पोर्शन से देखो जो बीच का पोर्शन है, अगर उससे आप a इंटू बी का x ले रहे हो तो वो b इंटू ए का भी x बन सकता है, क्योंकि ये पोर्शन
बी में भी है, तो बी इंटू ए का भी वो एक्स बनेगा इस वाले पोर्शन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग। और एट द सेम टाइम वाई भी इधर ही से लेना होगा। अगर वाई भी इधर ही से ले रहे हो आप, तो वो बी यानी बी का वाई ले रहे हो, तो वो ए का भी वाई बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटू ए इंटरसेक्शन बी से एलिमेंट कॉमन आएंगे, जिसको हमने इस तरह से प्रूव भी किया। वेन डायग्राम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की, आपको आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बोला ही कि साइलेंटली आप इसको देखिएगा तो आसानी से समझिएगा, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये हमने पुअर ट्रांसलेशन करके आपको दिखा दिया। अब अगला ये दो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसी से शुरू करते हैं। एक्स एक्सेट दिया हुआ जो है 4 × n − 3n − 1, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमको एलिमेंट ये वाला लेना है एवेलुएट करके। और y जो है वो 9n − 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये है, वेयर n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन x यूनियन y क्या होगा। तो पूछ रहा है x यूनियन y क्या होगा, ये बेसिकली सेट्स का क्वेश्चन है। तो दोनों सेट को इवेलुएट कर लेते हैं। इसको इवेलुएट करना आसान है, इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया भी है। 9n − 1 है, यानी n जब 1 से शुरू होगा, n 1 होगा तो 9 × 0 = 0 होगा पहला एलिमेंट, फिर n जब 2 होगा तो 9 × 2 − 1 यानी 9 होगा, उसके बाद 18 होगा, तो ये 9 का पहाड़ है स्टार्टिंग विथ 0। y क्या है, 9 का टेबल है, ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ये y आ गया। और x आ जाएगा, x क्या है, 4 की पावर n है −3n − 1, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको इवेलुएट करते हैं 2-3 के लिए। n जब 1 देंगे तो क्या होगा, 4 − 3 − 1, ये 0 हो गया। n जब 2 देंगे, 4 × 16 = 6, 10 − 1 = 9। जब n 3 देंगे, 4 × 16 = 64 − 9, 64 − 10 = 54, है ना, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो अपने को पूछ रहा है एक्स यूनियन वाई क्या होगा। एक चीज़ आपको दिख रही होगी, एक्स यूनियन वाई में एक्स वाई का सबसेट लग रहा है, 0 भी है, 9 भी है, आगे 54 भी होगा 9 के मल्टीपल में, तो बस हमको लग रहा है कि ये जो है वो 9 का मल्टीपल है। तो एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ वाई, जो प्रिलिमिनरी मेरे को दिख रहा है, एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ वाई। तो एक्स अगर सबसेट ऑफ वाई है तो यूनियन क्या हो जाएगा, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, तो एक्स यूनियन वाई वाई ही हो जाएगा। तो आंसर इसका मुझे लग रहा है वाई ही होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा कोशिश करते हैं इसको, पहले इलिमिनेशन से बन जाएगा क्या, मैंने बोला था मैं सीधा बनाने चला, पहले ऑप्शन देख लेना था। ये एक मिस्टेक हुई है अपने से, ये मिस्टेक होना नहीं चाहिए। एक्स यूनियन वाई क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर होगा क्या एक्स यूनियन वाई, नहीं हो सकता नेचुरल नंबर, दिख रहा है 1, 2, 3 का 0 से स्टार्ट होगा एक्स यूनियन, तो नेचुरल नंबर तो कभी नहीं होगा पहला, ठीक है। सीधा दिख रहा है भाई कि x जो है वो छोटा सा सेट है, सबसेट ऑफ y हो सकता है, 18 नहीं आ रहा है तो x तो नहीं होगा, x यूनियन y में 18 तो होना चाहिए, यहाँ 18 नहीं है तो x तो नहीं हो सकता। y माइनस x भी नहीं होगा, y माइनस x में आप 9 हटा दे रहे हो, x यूनियन y कभी y माइनस x तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि y माइनस x इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ x यूनियन y, ठीक है ना। यानी x और y आप ले रहे हो तो y माइनस x आपका ये वाला पोर्शन है, तो y माइनस x x यूनियन y के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो ये वैसे ही कट गया। अगर दो अलग अलग होता तो भी y माइनस x सिर्फ y होता, ठीक है ना, y माइनस x सिर्फ y होता, तो x यूनियन y कभी y के बराबर होता ही नहीं दोनों में देख लिए, तो ये वाला तो वैसे भी हट गया। तो आंसर आपका एलिमिनेशन से निकल के आ जा रहा है कि भैया इस दोनों का जो होगा यूनियन वो वाई ही होगा, और वो दिख भी रहा है कि वाई जो है एक्स जो है वाई का सबसेट है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, डायरेक्ट बनाना है इसको, बस इवेल्युएट करके आप बना सकते थे इसको। तो ये 4 × n − 3n − 1 ये मल्टीपल ऑफ ये 9 से डिविजिबल होगा, बस कहने का मतलब यही है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं चाहें तो, ज़रूरत नहीं है।
आरटी में इसको प्रूफ करने मत लगिएगा, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए करना कुछ नहीं है, 4 को लिख देना है 1 प्लस 3 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। इसको खोलिएगा तो ये आएगा एन सी 0 3 की पावर 0, एन सी 1 3 की पावर 1 प्लस एन सी 2 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 एन सी एन 3 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। इसका वैल्यू होगा 1 जो 1 से कट जाएगा, इसका वैल्यू होगा 3n जो 3n से कट जाएगा, और बाकी सब 3 स्क्वायर से बड़ा है। बाकी सब का पावर 3 स्क्वायर होगा, 3 क्यूब होगा, यहाँ 3 की पावर n है, ठीक है। तो सब 9 से डिविजिबल है, हर एक टर्म 9 से डिविजिबल है, तो यानी ये पूरा जो है वो 9 से डिविजिबल है, यानी ये जो है 9 एक इसका फैक्टर है, तो ये 9 के मल्टीपल में आएगा ही आएगा, यानी इसका कोई भी एलिमेंट 9 के मल्टीपल में आएगा ही आएगा। तो x इज़ अ सबसेट ऑफ y, x यूनियन y इज़ y, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ये 3n माइनस 1 इसीलिए दिया हुआ था, इसका दो टर्म उससे कट जा रहा है और बाकी सब में 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर n तक जा रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको वहाँ एग्ज़ाम में करना भी नहीं, वेन डायग्राम बेसिक जानते हो तो एलिमिनेशन से ये y आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए इनटू बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स इज, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए में दिया हुआ है वो कितना है 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी में दिया हुआ है वो 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू बी क्या हो जाएगा 8। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या सबसेट्स ए इनटू बी के कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स या पावर सेट ऑफ ए इनटू बी कितने होंगे, इसका नंबर क्या होगा, यही होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 8। लेकिन इसमें वो एलिमेंट भी होंगे, वो सब भी होंगे सबसेट जिसमें 5 होगा, एक एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट होगा, ठीक है ना, सिर्फ दो एलिमेंट होंगे, तीन एलिमेंट होंगे, ऐसे करते करते 8 एलिमेंट तक वाले होंगे सबसेट। लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, यानी 3 और उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, 3 और उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसका दो तरीका है, एक तो 2 to the power 8 निकालिए और 5, 1, 2 वाले घटा दीजिए। कितने तरीके से आप सबसेट बना सकते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक ही एलिमेंट हो और दो एलिमेंट हो, ठीक है। तो उसका सिंपल तरीका ये हो जाएगा कि 2 की पावर 8 टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, नंबर ऑफ सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो 1 है, नंबर ऑफ सबसेट जिसमें एक एलिमेंट हो वो 8 में से 8 तरीके से चुन लीजिए कोई एक एलिमेंट तो वो है, और दूसरा दो एलिमेंट चुनना है 8 में से तो 8c2 हो गया, ये घटा दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। तो 8c2 होता है 8 × 7/2 4 28, इसकी वैल्यू आएगी 28। तो 28 × 29 29 और 8 37, 2 की पावर 8 में से गया 37, इसकी टोटल काउंटिंग हो गई 37, और ये होता है 256। तो 256 में से आप 37 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 16 × 7 = 9, 4 × 3 = 1, 219 सी आंसर होगा, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, एक आप इस तरह से निकाल सकते हो कि आप घटा दो टोटल में से वो वाले सबसेट घटा दो जिसमें दो एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, तो ये आपका सिंपल बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनेगा। अगला बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा इसी का घुमाव है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आप तभी बना पाओगे जब आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होगे, बेसिकली कॉम्बिनेशन पढ़े होगे, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये सवाल है तो आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ, तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये तरीका सही है, इसमें नंबर ऑफ सबसेट इसमें 3 एलिमेंट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, सबको अलग अलग निकाल के जोड़िए तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 3 एलिमेंट ये हो जाएगा 8c3 प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स विथ 4 एलिमेंट 8c4 प्लस डॉट 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 8c8, ये आपका आंसर आएगा। इसको जोड़िए तो यही आएगा 219, या फिर आप 2 to the power 8 में से इसको घटा दीजिए। इसको भी जोड़ने का अगर शॉर्टकट तरीका लेना है तो इसको भी यही काम करना होगा, क्योंकि इसमें फिर 3 एलिमेंट आप जोड़िएगा प्लस 8c2 प्लस 8c1 प्लस 8c0, और फिर 3 एलिमेंट घटाइएगा, जो घटा रहे हैं वो आपका यही होगा 8c2 8c1 8c0, और ये पूरे की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n में से ये तीन चीज़ चला गया, यानी ये तीन चीज़ जो लिखी हुई है ये वही है,
कि दो दो एलिमेंट का सबसेट, एक एलिमेंट का सबसेट, जीरो एलिमेंट का सबसेट, तो मैंने पूरा लिख दिया। और ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। तो इसको जोड़ने का शॉर्टकट तरीका फिर यही है, फिर इसको एक बार आप घटा लीजिए, 8c2 प्लस 8c1 प्लस 8c0, 8c0 होता है 1, 8c1 होगा 8, 8c2 होगा ये वाला, तो ये घट गया और ये पूरा वैल्यू 2 की पावर n हो गया। तो वही चीज़ हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 219। तो ऐसे ही बना लीजिए, ये तरीका लंबा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था दोनों, आप तुरंत इसमें जैसे तुरंत देखते, 4n-3n-1 है, 9n-1, इसका पहला एलिमेंट 0 आ रहा है, 1 पुट करेंगे, 9 into 0 0, तो ये नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता यूनियन, क्योंकि यूनियन में 0 आ जाएगा और नेचुरल नंबर में 0 नहीं हो सकता है, ये कट गया। y-x वैसे ही हट गया क्योंकि y-x इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ y, तो वो यूनियन तो हमेशा इससे बड़ा ही होगा, ये भी हट गया, x और y रह जाता है। अब सिंपल x और y में एलिमिनेट करना बहुत आसान है, क्योंकि y का एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0, 9 के बाद 18 जा रहा है, और इसमें 0, 9 के बाद 54 जा रहा है, तो 54 जाने की वजह से जो 18 था वो तो छूट जा रहा है, 18 इसमें नहीं है, इसमें है, तो यूनियन में तो 18 होना चाहिए, तो x तो नहीं हो सकता, तो x नहीं हो सकता, तो y ही आंसर है, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए था इसमें। और इसमें सीधा आप फटाफट 2 to the power 8 में से 2012 वाले घटा लीजिए, यानी 219, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। एक पुराना दोहा भी है जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कुएं के किनारे जो पत्थर का घेरा होता था, पानी बार बार निकालने से रस्सी से भी उस पर निशान पड़ जाता था, उसी तरह कोई मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करके बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस हमें फ़ायदा होगा। जिन लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो वो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको और वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। टेक केयर एंड थैंक यू।